नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम लोग TGT 2003 की क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया है उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने 2002 के क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए थे उनको सॉल्व किए थे, जितने भी अभी तक के TGT के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही साथ PGT के भी जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनको भी अब डे वाइज डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 3 दिन जो है TGT का और 3 दिन PGT के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा। तो जो भी एग्रीकल्चर स्ट्रीम के लड़के हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो सभी अपना प्रैक्टिस सेट से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कितनी तैयारी आपकी है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होता है सबसे पहले वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। PDF और सभी मैटर वहाँ पे आपको मिलते रहते हैं, क्विज भी कुछ वहाँ पे अपडेट किया जाता रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण कम करने हेतु तो वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रक्षेत वानिकी, सिल्वी पास्चर, कृषि वानिकी और चौथा है सामाजिक वानिकी। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें पहले में, राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक वानिकी। ठीक है, यहाँ पे ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को सामाजिक वानिकी कहा जाता है और इसके द्वारा प्रदूषण जो है वो सोशल फॉरेस्ट्री के द्वारा कम किया जाता है। सामाजिक वानिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर हम बात करें बेस्टेबो ने किया था। किसने किया था? सर्वप्रथम इस वर्ड का, सोशल फॉरेस्ट्री का वर्ड जो है वो किसने दिया था? वास्टेवी ने दिया था। ये आपको याद रखना है, 1968 ईस्वी में दिया था। 1968 ईस्वी में वेस्टोवी ने जो है सामाजिक वानिकी शब्द दिया था और ये आपको याद रखना है। और ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर एक में जो है ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को सामाजिक वानिकी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें तो यहाँ पे है कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई क्या है? एक गांव, एक सामुदायिक विकास खंड, एक परिवार और चौथा एक जनपद, यानी IRDP की बात की जा रही है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका मेन फीचर्स क्या था, मूल इकाई क्या है इसको विकास कार्यक्रम को लागू कराने का? तो एक परिवार होगा। ठीक है, सबसे न्यूनतम इकाई जो होगी परिवार, और इसकी परिवार की जब विकास होगा तो समुदाय का विकास होगा, धीरे धीरे गांव और इस तरीके से सबका विकास होगा, जनपद का विकास होगा। तो मूल इकाई जो है वो एक परिवार होगा। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर दो में बी वाला ऑप्शन जो दिया है, सी वाला ऑप्शन, एक परिवार होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन है कि कौन सा जोड़ा जो है असंगत है, आपको मैच कराना है। सीड रेट दिया है, यहाँ पे फसल दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीन में चना 80 kg राइट है, तिल 4 kg राइट है, सूरजमुखी 12 kg ये भी राइट है, और सरसों यहाँ पे मिसमैच है। यहाँ पे 5 से 6 kg जो है सरसों राई का प्रयोग जो है किया जाता है। सीड रेट है 5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से। ठीक है, ये पूरे प्रति हेक्टेयर की दर से दिए हुए हैं। 80 kg चना के लिए है, तिल के लिए 4 kg है और सूरजमुखी के लिए 12, लेकिन यहाँ पर सरसों के लिए 10 दिया हुआ है, यही असंगत है क्योंकि इसमें पूछा गया असंगत। इसका सही आंसर जो है वो 5 kg प्रति हेक्टेयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर है कि मृदा में यूरिया के अपघटन से मिलता है क्या? यूरिक अम्ल, अमोनियम कार्बोमेट, अमोनियम कार्बोनेट और फोर है एमाइड्स। तो क्वेश्चन नंबर फोर में अगर हम बात करें तो मृदा में यूरिया के अपघटन से जो मिलता है उसे मृदा अमोनियम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर फोर में सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट। मृदा में यूरिया को डालने पर यह यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा जल विश्लेषित हाइड्रोलाइसिस होकर अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीकरण द्वारा अमोनिया तथा नाइट्रेट में जो है बदला जाता है, नाइट्रेट के रूप में ये बदल दिया जाता है। तो अमोनियम कार्बोनेट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है असंगत, आपको असंगत इसमें पहचान करना है। यहाँ पे फसल दिए हैं और उनसे संबंधित रोग, सरसों अल्टरनेरिया झुलसा, उड़द है स्टेरिलिटी मोजैक एंड सोयाबीन है पीला मोजैक, चौथा है मूंगफली, मूंगफली में जो है फली सड़न, कली सड़न।
ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें असंगत कौन सा दिया है, सरसों अल्टरनेरिया झुलसा लगता है, सोयाबीन पीला मोजैक भी लगता है, मूंगफली में कली सड़न भी लगता है, लेकिन स्टेलेटी मोजैक जो है ये केजान में यानी पिजन पी में लगता है, रेड ग्राम में लगता है, और इसका राइट आंसर जो होगा स्टेलेटी मोजैक, ये वायरस जनित डिजीज़ है और ये अरहर में लगता है। किसमें? अरहर में लगेगा। तो यही वाला क्वेश्चन नंबर 5 में दो वाला ऑप्शन जो दिए गए उड़द स्टेलेटी मोजैक ये असंगत है, स्टेलेटी मोजैक जो है वो अरहर में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र प्रस्थापित हुआ था, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, पांडिचेरी में। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो है रिपीट होता रहता है। तो भारत में पहला कृषि विज्ञान KVK जो है उसकी स्थापना पांडिचेरी में हुआ था और ये आपको याद रखना है। और 1974 ईस्वी में कब हुआ था? 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी पांडिचेरी में। अगर यहीं पर बात की जाए भारत के स्थान पर, यहाँ पर लिख दिया जाए उत्तर प्रदेश में पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सुल्तानपुर ज़िले में हुई थी। ये याद रखना है आपको, सुल्तानपुर ज़िले में। उत्तर प्रदेश के अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, सुल्तानपुर में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की मूल इकाई क्या है, गांव है, सामुदायिक विकास खंड है, परिवार है, और चौथा है जनपद। तो क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर जो है तीसरा हो जाएगा, परिवार। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 में सी वाला ऑप्शन परिवार हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको मिलान कराना है, सूची और फसल दिए हैं, उनकी बीमारी दी हुई, इनको सूची में मिला के नीचे दिए गए कोड्स के माध्यम से आपको सही ऑप्शन का मैच कराना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करें गेहूं के सामने जो पहला दिया गया है स्कोकाइटा रावी, मक्का के लिए सरकोसपोरा की कूची, सोयाबीन नियोवोसिया इंडिका, चना के लिए हेलमिंटो स्पोरियम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 में तीसरा वाला ऑप्शन जो दिया गया है राइट आंसर होगा गेहूं के लिए नियोवोसिया इंडिका हो जाएगा, इसके अलावा मक्का के लिए एलिमेंटो स्पोरियम हो जाएगा, और सोयाबीन के लिए जो है सरकोसपोरा की कूची, और चना के लिए स्कोकाइटा रावी होगा। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन 3 वाला जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा जो है वो कितनी होती है, 10 से 15%, 16 से 20%, 20 से 25% एंड चौथा है 25% से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम बात करें तो राइट आंसर जो है हो जाएगा चौथा, जैविक मृदा में जिसे ऑर्गेनिक सॉयल के नाम से भी जाना जाता है, ऑर्गेनिक सॉयल, या इसे हिस्टोल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है 20% यद क्ले मात्रा निम्न हो तथा 30% यद क्ले की मात्रा 50% से अधिक पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जैविक मात्रा में बात की जा रही है जैविक पदार्थ की, तो 25% से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, 10, 12, 15, 6। तो राइट आंसर जो है भारत को एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो 15 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 15। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा खरपतवार नाशी दलहनी फसलों में चौड़े पत्ते वाली खरपतवार को नष्ट करने में प्रयोग होता है, 2,4-D, 2,4-5-T, 2,4-DB एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए तो दलहनी फसलों में चौड़े पत्ते वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-DB और MSPB खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो दिया गया है 2,4-DB दिया है, यहाँ पे 2,4-D नहीं होगा, 2,4-DB होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में सी वाला ऑप्शन जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, और ये जो है प्रयोग किया जाता है चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए। ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी कौन सी है, विल्ट, ब्लास्ट, लीफ स्पॉट, ग्रेन स्मट। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम बात करें ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी जो है ग्रेन स्मट है, और यह हानिकारक कंडुआ अर्थात ग्रेन स्मट के नाम से जाना जाता है। इस रोग का कारक जो है ग्रेन स्मट जो है ये ज्वार में लगता है। तो मेजर जो ये प्रचलित बीमारी है ज्वार में वो ग्रेन स्मट है, जिसे कंडुआ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है कि एशियन साग भाजी अनुसंधान विकास केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, ताइवान में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो राइट आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा ताइवान में। एशियन साग भाजी अनुसंधान विकास केंद्र जो है वो ताइवान में स्थित है, तो राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एनोन म्यूरिकाटा एल वैज्ञानिक नाम है किसका, सीताफल का, रामफल का, चेरी मोया का या सावर साप का। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम बात करें, सावर साप का वैज्ञानिक नाम जो है एनोन म्यूरिकाटा है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 14 में डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, सावर साप का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15वां है कि दलहनी फसल जो वातावरणीय नत्रजन का वो आसानी से स्थिर नहीं करते हैं, उन्हें कहा जाता है अरहर, मटर, सोयाबीन, राजमा। तो दलहनी फसल जो हैं वो तो वातावरणीय नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, लेकिन इसमें में से दिया गया कौन सा क्रॉप जो आसानी से नहीं इस नाइट्रोजन को ज़मीन में फिक्स कर पाता है, तो वो कौन सा है, चौथा राजमा। राजमा जो है वो आसानी से वातावरणीय नाइट्रोजन को जो है ज़मीन में फिक्स नहीं कर पाता है, और राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी जो हैं आसानी से कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अगर केवल 3 सिंचाइयाँ संभव हैं तो गेहूं में क्रिटिकल स्टेज बताइए। देखिए ये 2002 के क्वेश्चन में भी पूछा गया है और 2003 के भी क्वेश्चन में ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा क्राउन जड़ निकलते वक्त फूल बनना तथा दूध बनना, दूसरा जो है क्रिटिकल जड़ निकास टिलरिंग दूध बनना, तीसरा है टिलरिंग ज्वाइंटिंग मिल्किंग क्रिटिकल जड़ बनना लेट ज्वाइंटिंग एंड डफ स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 16 में अगर हम बात करें यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, क्रिटिकल जड़ बनना CRI अवस्था लेट ज्वाइंटिंग और डफ स्टेज में जो है अगर आपके पास 3 सिंचाइयाँ हैं गेहूँ में तो वो किया जाता है 3 सिंचाइयों के लिए, क्रिटिकल स्टेज पहला हो जाएगा, लेट ज्वाइंटिंग में और डफ स्टेज में किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है, कॉपर, सोडियम, बोरान, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आवश्यक तो नहीं है लेकिन कुछ पौधों के लिए उपयोगी होता है, तो राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम। सोडियम जो है कुछ पौधों के लिए उपयोगी है लेकिन वो आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि फास्फोरस को प्रभावी प्रयोग किया जाता है बुआई के समय बुरकाव द्वारा, बुआई के 21 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के द्वारा, और तीसरा है बुआई के समय कोड में प्रयोग द्वारा, चौथा है पैड़ी छिड़काव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम बात करें तो राइट आंसर जो होगा फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग है जो है वो बुआई के समय कोड़ में दे देने से जड़ के पास जो है वो फास्फोरस रहता है और उसको आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 18 में तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गेहूं किस फसल में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। तो गेहूं का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश 2003 के अकॉर्डिंग जो है ये जो क्वेश्चन में पूछा गया था 2003 के, तो 2002 में जो उस समय चल रहा था डाटा उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। हालांकि अब आपको प्रेजेंट में गेहूँ के किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है ये कमेंट करके बताना है आपके लिए, ये क्वेश्चन है करंट के हिसाब से आपको अपडेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मृदा में वातावरण द्वारा पहुंचता है, फास्फोरस, पोटास, जिंक, नाइट्रोजन। तो वातावरण के द्वारा क्वेश्चन नंबर 20 में राइट आंसर जो है चौथा हो जाएगा, नाइट्रोजन। सभी लोगों को मालूम है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो ज़मीन में मृदा में फिक्स किया जाता है कुछ दलहनी फसल हैं उनके द्वारा, तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 20 में चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि मटर की न्यूनतम अवधि की सब्जी वाली उत्तम प्रजाति कौन सी है, अर्किल, बोनविले, अजादपी, असौजी। तो क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम बात करें मटर की न्यूनतम अवधि वाली सब्जी वाली उत्तम प्रजाति जो है वो असौजी है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए असौजी जो है वो उत्तम प्रजाति है, न्यूनतम अवधि की है और इसके ड्यूरेशन जो है वो 65 से लगभग 70 दिन में अगेती ये वेराइटी है पी की, फील्ड फीकी नहीं या तो ये सब्जी वाली वेजिटेबल पी जो है उसके लिए है असौजी वेराइटी, और ये सबसे कम समय में जो है तैयार हो जाती है। बोनविले जो है 85 दिन होती है, आजाद पी मध्यम, और असौजी जो है 60 से 65 दिन। तो अर्किल तो 65 से 70 होता है, यहाँ पे अर्किल जो है वो 65 से 70 होता है, जबकि असौजी जो है वो और ही कम 60 से 65 दिन में ही हो जाता है तैयार, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, गेहूं में कर्नल बंट की रोकथाम के लिए बीज शोधन है तो अधिक प्रभावशाली रसायन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे गेहूं के कर्नल बंट की रोकथाम के लिए बीज शोधन का सबसे अच्छा जो वीटा वैक्स हो जाएगा, राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 22 में सी वाला ऑप्शन जो है वीटा वैक्स हो जाएगा। मित्रा के अनुसार जो है रिपोर्टेड है सी ट्रीटमेंट विथ एग्रोसॉन जीएन
हेरिस्टोन एंड सल्फर डस्ट रिड्यूस इन्फेक्शन फार्म सीड बॉर्न इनोकुलम। इवन जो ये है एग्रोसॉन्जियन थीरम जिनेब बेनलेट बावस्टीन एंड वीटावैक्स होता है। तो यहाँ पे बीएससी दिया नहीं है, एग्रोसॉन्जियन दिया है और कैप्टॉन दिया है। तो यहाँ पे सबसे प्रभावशाली अगर बात करें वीटावैक्स है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 में, ठीक है। एग्रोसॉन्जियन से भी वी शोधन किया जाता है, थीरम हुआ इनसे भी वी शोधन की क्रिया होती है, लेकिन सबसे प्रभावी पूछा है इसलिए वीटावैक्स होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मूंगफली का जन्म स्थान क्या है, भारतवर्ष, ब्राज़ील, अफ्रीका, जापान। सभी लोगों को मालूम होगा क्वेश्चन नंबर 23 इसका ऑप्शन, हमें तो नहीं लगता है किसी को बताना पड़ेगा कि मूंगफली का जन्म स्थान क्या है। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ब्राज़ील हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 में। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस कीड़े के प्रकोप से हापर बर्न हो जाता है, फड़का, गन्ने का पायरिया, भूरा फुदका, हरा फुदका। तो क्वेश्चन नंबर 24 में राइट आंसर जो है तीसरा वाला हो जाएगा, भूरा फुदका, यानी ब्राउन प्लांट हॉपर के द्वारा हॉपर बर्न सिम्टम जो है धान में दिखाई पड़ता है। ये राइस का है भूरा फुदका। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 24 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 25 है कि भारत के प्रथम पादन संरक्षण सलाहकार कौन थे, क्वेश्चन नंबर 25 में। तो राइट आंसर जो है डॉक्टर सरदार सिंह, डॉक्टर एस प्रधान, डॉक्टर एम एल रूनवाल और चौथा है डॉक्टर एच एस पृथ्वी। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 25 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर एच एस पृथ्वी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव शरीर में थायमिन बी की कमी के कारण होती है, रतौधी, बेरी बेरी, पिलाग्रा, स्कर्वी। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आप सभी लोगों की ये भी क्वेश्चन हमें लगता है कई बार सॉल्व भी कराया गया और सभी लोगों को मालूम होगा, विटामिन थायमिन B1 जो है उसे थायमिन के नाम से भी जाना जाता है, इसके कारण बेरी बेरी, लकवा, त्वचा की स्पर्श शक्ति का ह्रास, गले की सूजन व शरीर के भार में कमी हो जाती है। और राइट आंसर जो होगा बी वाला ऑप्शन बेरी बेरी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बेरी बेरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि पादप रोग जनकों का प्रकीर्णन निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है, हवा, हवा पानी, हवा पानी मृदा, हवा पानी मृदा कीट। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा पादप रोग जनकों का प्रकीर्णन जो है हवा के द्वारा भी होता है, पानी के द्वारा भी होता है, मृदा के द्वारा होता है और कीट के द्वारा भी होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 27 में चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, हवा, पानी, मृदा, कीट के द्वारा। धान के पौधे में जिंक की कमी से होने वाला रोग, देखिए आपको हमने बताया भी था पिछले वीडियो में खैरा डिजी। तो ये 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2021 में सभी ईयर्स में ये क्वेश्चन आपका एक फिक्स रहता है इस टॉपिक से और वो पूछा जाता है। तो धान के पौधे में जिंक की कमी से होने वाला रोग जो है खैरा रोग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग फसल चक्र को कहते हैं, मिश्रित फसल पद्धति, रिले फसल पद्धति, बहुफसली पद्धति, अंतर फसल पद्धति। तो क्वेश्चन नंबर 29 में अगर हम बात करें तो मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग फसल चक्र बहुफसली पद्धति है, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन का उदाहरण है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 29 में सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, बहुफसली पद्धति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30 है, मोटे खाद्यान्न की खेती की जाती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, जल जमाव वाले क्षेत्र में, निचली भूमि में और चौथा है ऊपर वाले भूमि में। तो क्वेश्चन नंबर 30 में राइट आंसर अगर हम बात करें मोटे खाद्यान्न की खेती जो है ऊपरवार जो जमीन होती है जहाँ पे ऊंचे स्थान होते हैं वहाँ पे की जाती है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 30 में डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है, यहाँ पे बाई लिखा हुआ है मिस्टेक से प्रिंटिंग में, तो बोई जाती है होगा, तो ये हो जाएगा मक्का हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 31 में, ये सभी आप लोगों को याद रखना चाहिए, मक्का जो है ये सभी ऋतुओं में बोई जाती, खरीफ, रबी, जायद तीनों सीजन में मक्का की खेती होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि विभिन्न ऊंचाई के पौधे को एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को क्या कहते हैं, मल्टी और बहुस्तरीय, मल्टी स्टोर क्रॉपिंग कहा जाता है। यहाँ पे प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है कि निम्न विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक साथ पैदा करने को क्या कहते हैं, बहुफसलोत्पादन, बहुस्तरीय फसलोत्पादन, संयुक्त फसलोत्पादन, मिश्रित फसलोत्पादन। जैसे हमने बताया बहुस्तरीय, एक प्लांट जो है वो 10 फीट का हो गया, दूसरा 7 फीट का हो गया, तीसरा 5 फीट का हो गया, दूसरा इस तरीके से जो है अलग अलग हाइट के पौधे उगाए जाएंगे तो उन्हें बहुस्तरीय फसलोत्पादन कहा जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बरसी में एक चारे वाली फसल है तथा इसे बोने की सिफारिश की जाती है कब, मार्च, अप्रैल में, जून जुलाई माह में, अक्टूबर नवंबर में, जनवरी फरवरी में। तो यहाँ पे न मार्च अप्रैल में किया जाएगा, न जून जुलाई में किया जाएगा, न जनवरी फरवरी में किया जाएगा, अक्टूबर नवंबर माह में इसकी बुआई की जाती है, बोने की सिफारिश की जाती है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 33 में हो जाएगा,
तीसरा वाला ऑप्शन अक्टूबर नवंबर माह में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि नत्रजन का सबसे प्रभावशाली स्रोत क्या है? सूखा रक्त, कच्ची हड्डी का चूरा, मत्स्य खाद, सूखा शोधित स्लज। तो क्वेश्चन नंबर 34 में राइट आंसर अगर बात करें, नाइट्रोजन उपस्थित प्रतिशत निम्न में से सबसे ज़्यादा जो होगा वो सूखे रक्त ड्राई ब्लड में जो है पाया जाएगा। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 34 में ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सूखे रक्त में जो है 10 से 12% नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन परसेंटेज सूखे रक्त में कितनी होगी? 10 से 12% होती है। और रॉ बोन मील यानी अपक्व अस्थिफूर्ण में जो है 3 से 4%, मछली की खाद में 55.5%, सूखा शोषित स्लज में जो है लगभग 4 से 7% पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है 10 से 12% वो सूखा रक्त में पाया जाता है ड्राई ब्लड में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका आंसर आप लोगों को देना है कि क्रमागत ह्रास उत्पादन नियम के प्रयोग से लाभ अधिकतम होता है जब कुल उत्पादन अधिकतम होगा, सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन के बराबर होगा, सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से ज़्यादा होगा, और चौथा सीमांत लागत बराबर होगी सीमांत उत्पादन के। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का, ये आंसर करिए। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो है कि बाग में पौधे लगाने की किस विधि से किसान अमरूद के अधिक से अधिक पौधे लगा सकते हैं? खटभुजाकार, हेक्सागोनल मेथड, ये आप लोग सभी लोगों को मालूम है हेक्सागोनल मेथड के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा पौधे लगाए जाते हैं अगर आप बाग लगा रहे हैं तो। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? 1 से 2 किलोग्राम, 2-3 से 4 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम और चौथा है 7 से 8 किलोग्राम। अभी हमने ऊपर आपको बताया था, इसका कमेंट करके आप लोगों को आंसर बताइएगा। तीसरा वाला ऑप्शन जो है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर है सरसों के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि खड़ी फसल के काटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल बोने को कहते हैं, यानी खड़ी फसल के कटने से पूर्व कोई क्रॉप आपने ऐसे बोया हुआ है और उसके कटाई के समय से पूर्व ही आप कोई दूसरी फसल को बो दे रहे हैं, ये प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? मिश्रित क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, बहुफसली क्रॉपिंग। तो क्वेश्चन नंबर 38 में बात किया जाए तो राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करिए। ये अरुण कात्यायन के पोर्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। दूसरी फसल, पहली फसल के कटने से पहले ही दूसरी फसल को बोने की क्रिया को रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 38 का बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मृदा उर्वरता का ह्रास जो है वो होता है लगातार फसलों के उगाने से, उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से, आवश्यकता से अधिक सिंचाई से, दोषपूर्ण जल निकास से। तो क्वेश्चन नंबर 39 में अगर हम बात करें, पौधे अपने भोजन का अधिकांश भाग जड़ों द्वारा भूमि से ग्रहण करते हैं। भूमि पौधे के भोजन का भंडार तो है लेकिन बार बार फसल उगाने पर उसमें पौधों के लिए आवश्यक कुछ पोषक तत्वों की जो है कमी हो जाती है, इसलिए राइट आंसर जो है लगातार फसलों के उगाने से भी मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 39 में ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आलू, झुलसा, गेहूँ, कंडुआ और ज्वार, अर्गट, तिल, फाइलोडी। तो ये आपको मैच कराना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो झुलसा ब्लास्ट रोग जो है वो आलू में लगता ही है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 40, तो यहाँ पे अगर बात करें गेहूं में कंडुआ रोग भी लगता है, तिल फाइलोडी ये भी लगता है और ये काफ़ी बार कम्पिटेटिव UPSC के एग्जाम में भी पूछा गया है। बचता है ज्वार, ज्वार में अर्गट रोग नहीं लगता है, अर्गट रोग जो है वो बाजरे में लगता है। यहाँ पे हो जाएगा यस्सियन जो है इसमें होता है, तो अर्गट डिजीज जो है वो बाजरा में लगेगा, तो यही असंगत है क्वेश्चन नंबर 40 में तीसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कार्बन पादप वृद्धि के लिए एक अनिवार्य तत्व है, पौधे इसे प्राप्त करते हैं मिट्टी से, पानी से, हवा से, प्रकाश से। क्वेश्चन नंबर 41 में हम बात करें तो राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, हवा से। कार्बन जो पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्व है वो हवा से प्राप्त किया जाता है पौधे के द्वारा, तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 41 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि मोथा का संबंध जो है वो किस फैमिली से है? ग्रेमनी कुल से, मालवेसी कुल से, साइपरेसी कुल से या लिलियेसी कुल से। तो क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो राइट आंसर जो है मोथा का संबंध जो है साइप्रस रोटेंडस जिसका बॉटनिकल नेम है, और ये जो खरपतवार है वो साइप्रेसी कुल से संबंधित है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 42 में सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, साइप्रेसी कुल। तो मोथा का संबंध साइप्रेसी कुल से है। अगला जो है सबसे महंगे बीज की श्रेणी है आधारी बीज की, ट्रूथफुल, प्रमाणित या जनक सीड की।
तो क्वेश्चन नंबर 43 और इन सभी के टैग होते हैं वो कौन कौन से कलर के टैग लगते हैं ये आप लोग बताइएगा। तो सबसे महंगा जो बीज है वो जनक बीज होता है, ब्रीडर सीड्स आर ऑफ ए हाई जेनेटिक वैल्यू एंड बीइंग वेरी लिटिल इन क्वांटिटी ऑफ आर ऑफ्टन कॉस्टली। तो सबसे महंगा बीज जो है वो आधारित बीज ब्रीडर सीड जो है वो होगा। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 43 में डी वाला ऑप्शन जो दिया गया जनक सीड वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खंड विकास परिषद की अध्यक्षता की जाती है खंड विकास अधिकारी द्वारा, ब्लॉक प्रमुख द्वारा, खंड विकास अधिकारी द्वारा, जिला कृषि अधिकारी द्वारा। तो यहाँ पे जिला कृषि अधिकारी द्वारा खंड विकास परिषद की अध्यक्षता तो की नहीं जाएगी। तो आपके पास अब तीन ऑप्शन बच रहे हैं, कौन सा होगा इसमें से। तो खंड विकास परिषद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष जो है चेयरमैन ब्लॉक प्रमुख होता है तथा इसका सचिव जो है सेक्रेटरी वो खंड विकास अधिकारी होता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो होंगे वो ब्लॉक प्रमुख होंगे। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 44 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ब्लॉक प्रमुख। अगला जो है, केले के बीज रहित होने का कारण क्या है, अबीजधारिता, बीजांड रहित होना, वेजिटेटिव अपरागर और चौथा है उत्तेजित अपरागर फलन। तो क्वेश्चन नंबर 45 में राइट आंसर जो है, केला जो है वो ट्रिप्लॉइड है, केला जो है ट्रिप्लॉइड पौधा है और ये जो है होने के कारण इसमें वनस्पति का अपरागर वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी की क्रिया होती है, इस कारण से इसमें बीज नहीं बन पाता है। तो इसमें जो है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी की क्रिया होती है, ये ट्रिप्लॉइड प्लांट है और इसके कारण जो है इसमें सीड्स जो है वो नहीं बनते हैं और ये जो है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के द्वारा इनका ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है, भैंस जमुनापारी, गाय गंगा तेरी, बकरी बरबरी और भेड़ बीकानेरी। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 46, सभी लोगों को मालूम होगा भैंस जमुनापारी जो है वो बकरी की वैरायटी ब्रीड है। तो राइट आंसर हो जाएगा जमुनापारी जो है वो बकरी की है। भैंस की भदावरी हुई, मेहसाना हुई, सूरती हुआ, ये सभी ब्रीड हैं, प्रजाति हैं, लेकिन यहाँ पे जमुनापारी दिया हुआ है भैंस के आगे। तो यही वाला, ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर नहीं है, सुमेलित नहीं है पूछा गया है, इसलिए ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 47 है कि फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्लिपिंग, नॉचिंग, बडिंग, टॉपिंग। तो क्वेश्चन नंबर 47 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया को जो है टॉपिंग कहा जाता है, टॉपिंग, ठीक है। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 47 में फोर वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि विज्ञान की उस शाखा को जिसका संबंध मृदा की उत्पत्ति वर्गीकरण तथा वर्णन से है कहते हैं, इटैफोलॉजी, इकोलॉजी, पेडोलॉजी, जियोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 48 में अगर बात की जाए पेडोलॉजी हो जाएगा। पेडोलॉजी विज्ञान मृदा के गुण वर्गीकरण, व्यवहार, शरीर विज्ञान, फिजियोलॉजी तथा एनाटॉमी का अध्ययन जो है उसके अंतर्गत किया जाता है, जबकि एक प्लांट के अंतर्गत जो है इटैफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 48 में सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, पेडोलॉजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि पादप वृद्धि के लिए अनिवार्य तत्वों की संख्या क्या है। उस समय जो है 2003 की क्वेश्चन पेपर है, अभी जो है वो 17 हो चुका है, लेकिन इनमें में से राइट आंसर जो है तीसरा वाला ऑप्शन था, लेकिन अब प्रेजेंट में 17 जो है वो माना जाता है एनॉन के द्वारा 1954 में क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल के आधार पर केवल 16 तत्व जो है पौधे के लिए आवश्यक माने गए थे, लेकिन अब जो है 17 कर दिए गए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, मृदा में किस सूक्ष्म जीव की संख्या सर्वाधिक है, एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या होगा ये सभी आप लोग बताइएगा। मृदा में जो सूक्ष्म जीव सबसे अधिक संख्या होती है वो बैक्टीरिया को होती है। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 50 में भी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि न्याय पंचायत राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन कब से सभी राज्यों पर प्रभावी हुआ, 24 अप्रैल। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, उसको हम आप लोगों का ऑप्शन जो है वो बता देते हैं, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 24 अप्रैल 1995, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में राइट आंसर जो है 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज अधिनियम जो है 1992 में पास हुआ था, लेकिन 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में लागू किया गया था। तो यहाँ पे जो है 24 अप्रैल 1993 राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्न में से किन योजनाओं को जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया है। NREP, RLEGP, IRDP, TRISEM और बा, ये सभी ऑप्शन में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में राइट आंसर जो है वो पहला वाला है आ और बा। NREP और RLEGP जो है वो जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया था। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 52 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पादप प्रजनन की सभी प्रक्रियाओं को आरंभिक बिंदु है प्रवेशन, चयन, संकरण, स्वनिषेचन। तो क्वेश्चन नंबर 53 में राइट आंसर जो है प्रवेशन हो जाएगा। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 53 में ए वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध जो है वो किससे है। मृदा संरक्षण से है, बाढ़ नियंत्रण से है, दूध की आपूर्ति बढ़ाने से है, बाढ़ पीड़ितों को सहायता कोष से है। तो राइट आंसर जो है इसमें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, दूध की आपूर्ति बढ़ाने से। ऑपरेशन फ्लड के संबंध जो है वो मिल्क की आपूर्ति बढ़ाने के लिए है। राइट आंसर अगला जो क्वेश्चन है निमेटोड्स होते हैं सिम्बायोटिक नत्रजन फिक्सर, नीले हरे एल्गी, इंसेक्ट्स एंड प्लांट पैथोजन्स। क्वेश्चन नंबर 55 में राइट आंसर जो है निमेटोड्स आर प्लांट पैथोजन। निमेटोड्स आर द ओनली प्लांट पैरासाइट बिलोंगिंग टू एनिमल किंगडम विच आर स्टडी इन द प्लांट पैथोलॉजी। और प्लांट पैथोजन्स राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 में। तो क्वेश्चन नंबर 55 में निमेटोड्स जो है वो प्लांट पैथोजन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि धान की सुगंधित प्रजाति कौन सी है, टाइप किस जया, टाइप 3 IR8। तो धान की सुगंधित फसल जो है टाइप 3 है। राइट आंसर जो है हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, टाइप 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है कि दलहनी फसलों में बीज शोधन किया जाता है एस्ट्रोबैक्टर से, राइजोबियम से, एजोस्पेरियम से, फास्फोटिका से। तो क्वेश्चन नंबर 57 में राइट आंसर जो है दूसरा हो जाएगा, दलहनी फसलों के बीज का शोधन राइजोबियम कल्चर के द्वारा जो है किया जाता है। एक राइजोबियम कल्चर जो है वो 250 ग्राम का पैकेट होता है और यह जो पैकेट है वो 10 केजी सीड को ट्रीटमेंट करने के लिए, कंप्लीट जो सीड होंगे वो 10 केजी सीड का उपचार जो है राइजोबियम 250 ग्राम पैकेट के द्वारा किया जा सकता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 57 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि असिंचित गेहूं की अनुशंसित प्रजाति है NDP 2329, UP 2003, राज 3077, K65। तो क्वेश्चन नंबर 58 में राइट आंसर जो है चौथा है, K65 जो है प्रजाति पूर्वी उत्तर प्रदेश के असिंचित क्षेत्रों में उगाने के लिए उपयुक्त प्रजाति है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 58 में चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सब्जियों की सामान्य आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रति दिन होती है कितनी, 85 ग्राम, 185 ग्राम, 285 ग्राम, 385 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 59 में अगर हम बात करें तो राइट आंसर जो है ये आहार विशेषज्ञ के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन संतुलित आहार के लिए 300 ग्राम सब्जियां जिसमें 115 ग्राम पत्ती वाली सब्जी, 115 ग्राम दूसरी सब्जियां तथा 70 ग्राम जड़ों वाली सब्जियों का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑप्शन में एक्यूरेट दिया नहीं है लेकिन 285 ग्राम हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारतवर्ष में सकल उत्पादन में कृषि का योगदान जो है कितना है। तो 2003 के अकॉर्डिंग ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 60 में। तो यहाँ पे 25% इसमें जो है कितना है ये आपको कमेंट करके बताइएगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जवाहर रोजगार योजना जो है वो प्रारंभ कब किया गया था, चार ऑप्शन है, 1981, 1987, 1989, 1991। क्वेश्चन नंबर 61 में राइट आंसर जो है 1989 में हुआ था जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 61 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि कृष्णनील खरपतवार जो है वो कैसा है, एक बहुवर्षीय पौधा है, एक वर्षीय पौधा है, एक द्विवर्षीय पौधा है, इनमें से कोई नहीं है। तो कृष्णनील खरपतवार जो है वो शरद ऋतु रवि में उगने वाला एक वर्षीय पौधा है। तो यह रवि सीजन में उगता है, ये आपको हो गया, और यह एक वर्षीय पौधा है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 62 में बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। अंतर फसली का तात्पर्य क्या है, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ मिलवा रूप में बोना, दो या दो से अधिक फसलों को एकांतर पंक्तियों में बोना, तीसरा है एक से अधिक फसलों को उसी क्षेत्र में एक वर्ष में बोना, और चौथा इनमें में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 में राइट आंसर जो है वो दूसरा हो जाएगा, दो या दो से अधिक फसलों को एकांतर पंक्तियों में बोने को अंतर फसली कहा जाता है। चौथा 64वां है कि वाष्पोत्सर्जन की दर वातावरण के दबाव में कमी से होती है क्या, अप्रभावित रहेगी, बढ़ जाएगी, धीरे धीरे कम होगी, तेज़ी से कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 64 में राइट आंसर जो है बढ़ जाती है, वायुमंडल का दबाव कम होने से वायु का घनत्व कम हो जाता है जिससे वायुमंडल का वाष्प दाब जो है ग्रेडियंट कम होता है और जिसके परिणामस्वरूप वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो बढ़ने लगती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है कि पर्ण क्लोरोफिल अवशोषित करता है, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश, नीला एवं लाल प्रकाश, हरा प्रकाश। तो क्वेश्चन नंबर 65 में अगर बात करें तो तीसरा वाला ऑप्शन है नीला एवं लाल प्रकाश, और इसमें कुछ डाउट भी रहेंगे आपको, रेड हो गया,
ब्लू हो गया, तो ये सभी जो है क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया हुआ है। तो यह पर क्लोरोफिल अवशोषित जो है वो सी वाला ऑप्शन जो दिया गया राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम होता है मल्चिंग द्वारा, अंतः फसली द्वारा, सिंचाई द्वारा, सघन रोपण द्वारा। तो फलदार वृक्षों पर पाले का असर कब से कम होगा ये बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 66 में राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई के द्वारा। आप तो मल्चिंग कर नहीं सकते, फलदार वृक्ष बड़े बड़े होते हैं, अंतः फसली का कोई मतलब नहीं, सघन रोपण का कोई भी मतलब नहीं। तो अब बचता आपके पास है तीसरा ऑप्शन, सिंचाई के द्वारा जो है पाले के असर जो है वो कम किया जा सकता है फलदार वृक्षों पर। प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाए जाने वाली सब्जी कौन सी है, पात गोभी, टमाटर, चुकंदर, शिमला मिर्च। तो क्वेश्चन नंबर 67 में राइट आंसर जो है शिमला मिर्च हो जाएगा। विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है, तो और किन में पाया जाता है ये कमेंट करके बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी दो दलहनी फसलों से भारत के कुल दलहन का लगभग 75% उत्पादन प्राप्त होता है, चना, अरहर, मसूर एवं टमाटर, मूंग एवं उड़द, मसूर एवं उड़द। मसूर एवं उड़द तो नहीं होगा, मूंग और उड़द भी नहीं होगा, मसूर और टमाटर भी नहीं होगा। बचता है आपके पास ऑप्शन ए चना एवं अरहर जो है वो 75% भारत के टोटल दलहनी फसलों के उत्पादन में 75% योगदान इन दोनों फसलों की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौन सी है, चंद्रा है, कौशल है, राय 28 है, एम 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 69 में राइट आंसर जो है दूसरा हो जाएगा कौशल जी 201, या एक गुच्छेदार किस्म है जिसका विकास जो है कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के द्वारा CSA के द्वारा जो है इसका डेवलपमेंट जो है वो किया गया था गुच्छेदार प्रजाति के रूप में मूंगफली की। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मृदा का स्थायी गुण क्या है, उर्वरता स्तर, पीएच मान, संयुक्त विन्यास संरचना। तो क्वेश्चन नंबर 70 में अगर हम बात करें तो सॉयल टेक्सचर, सॉयल स्ट्रक्चर, ये सॉयल स्ट्रक्चर हो गया, सॉयल टेक्सचर, सॉयल टेक्सचर जो है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 70 में तीसरा वाला ऑप्शन जो है मृदा संयुक्त यानी सॉयल टेक्सचर जो है मृदा का स्थायी गुण है और ये कभी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 71 है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में आया 12 जुलाई 1982। राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, सभी लोगों को मालूम है नाबार्ड की स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 ईस्वी के हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है कि कौन सा देश आलू का उत्पत्ति स्थान है, दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी चीन। तो दक्षिणी चीन, दक्षिणी कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका तो होगा नहीं, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, पेरू में जो है आलू की उत्पत्ति स्थान है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 72 में पहला वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है कि गेहूं के खेत में गेहूसा का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है, तो पेंडामिथिलिन जो है ये राइस फील्ड के लिए है तो ये तो होगा नहीं, दूसरा जो है सल्फर सल्फ्यूरान है तो ये भी राइस के लिए है, मेथाबेंजोर फ्यूरान जो है ये भी नहीं होगा, तो आइसोप्रोटुरान जो है वो गेहूसा फैलेरिस माइनर कंट्रोल के लिए वीट में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 73 में तीसरा वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है कि पीले फल एवं सब्जियां जो हैं अच्छे स्रोत होते हैं किसके, विटामिन ई के, विटामिन सी के, विटामिन ए के और विटामिन बी के। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 74 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोध है, बीमारी अवरोधी प्रजाति के बीजों की उपलब्धता, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, अनार्थिक मूल्य, कमजोर विपणन व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 75 में राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, बीमारी अवरोधी प्रजातियों के बीजों की अनुपलब्धता के कारण दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोध आता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है, सरसों के तेल की कड़वाहट किस रसायन के द्वारा होता है, राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ग्लूकोज सिलेट्स के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है कि दालों की जड़ में गांठ बनाने वाले जीवाणु को जो गत से वृद्धि करते हैं उसे किस वर्ग में स्थापित किया जाता है, यानी मंद गत से दिया जा रहा है, तो ब्रेडी राइजोबियम के नाम से। ठीक है, राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 77 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ब्रेडी राइजोबियम के द्वारा स्थापित किया जाता है ग्रुप में। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे के किस भाग में धुरीन की संरचना होती है, जड़ों में, तने में, पत्तियों में, सभी भागों में। तो क्वेश्चन नंबर 78 में राइट आंसर जो है, सूखे स्थिति में ज्वार के पौधों की धुरीन संरचना जो है वो पत्तियों में होती है, या सीयन भी इसमें होता है जिसके कारण पशु बीमार भी हो जाते हैं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 78 में सी वाला ऑप्शन जो है, पत्तियों में होता है राइट आंसर।
अगला जो है 79, कि शुष्क खेती में अल्केनील सक्सिनिक अम्ल का प्रयोग पौधे की वृद्धि में सहायक होकर उन्हें सूखे से बचाता है क्योंकि, क्या होगा राइट आंसर क्या होगा 79 में? तो यहाँ पे अगर देखें चार ऑप्शन दिए गए हैं, या स्टोमेटा के ऊपर एक परत बनाता है, कोशिकाओं की भित्तियों में पानी की पारगम्यता, तीसरा है स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 79 में तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने, स्टोमेटा क्लोज एंड ओपन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, एक निम्न में से कौन सी अवस्था होने पर परागण होता है? नीचे दिए गए कोड से सही का ऊपर का चयन कीजिए। उभयलिंगाश्री, निम्नलिखित परागण, स्त्री पूर्वता, पूर्व पूर्वता। क्वेश्चन नंबर 80 में अगर बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पे कूट नीचे दिए गए हैं उनके माध्यम से आपको बताना है, ये कूट है। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन ए सी डी उभयलिंगाश्री, स्त्री पूर्वता, पूर्वता होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है कि मिस्र कृषक एक कर्मचारी है भारत सरकार का, राज्य सरकार का, निगम कर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मिस्र कृषक जो है वो राज्य सरकार का कर्मचारी है, राइट आंसर हो जाएगा। चौथ इसके बाद जो क्वेश्चन है 82 है कि यूपी डॉक्स से तात्पर्य है यूपी विकास कृषि सेवा परियोजना, यूपी विविधीकरण कृषि सेवा परियोजना, यूपी कृषि विकास सहायता परियोजना, और चौथा है यूपी विविधीकरण सहायता परियोजना। क्वेश्चन नंबर 82 में राइट आंसर जो है चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा, यूपी डीएएसपी जो है वो यूपी विविधीकरण सहायता परियोजना हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है कि गाय की दुकाजी नस्ल कौन सी है? हरियाणा है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था और ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। बाकी जो है सभी है वो मिल्क उत्पादन के लिए, लेकिन हरियाणा जो है वो द्विकाजी नस्ल है गाय की। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गाय संकर नस्ल की है? ये भी रिपीट हुआ है, साहीवाल और ब्राउन स्विस से क्रॉस से बना हुआ है करण स्विस, और ये संकर नस्ल है गाय की। राइट आंसर जो है NDR के द्वारा इसके किया गया था, नस्ल तैयार की गई है करण स्विस संकर नस्ल गाय की। तो राइट आंसर जो क्वेश्चन नंबर 84 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व, ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था और ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन 2003 में। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे भी कोई लेटेस्ट नोटिस होगा वो वीडियो के माध्यम से आपको पहुँचता रहेगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपने अच्छे से तैयार करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।